ये भी ठीक है, अंकल पोर्शे चला रहे हैं, एजेड अंकल है और उनके साथ एजेड वुमेन भी बैठी है। ये नाइस। बेस्ट मीना, बेस्ट मीना, बेस्ट मीना। व्हीकल्स धोने का मज़ा ही कुछ और है, ये बात तो फैक्ट है। थक गया, बट लेट्स स्टार्ट दिस डे। बेस्ट मीना, बेस्ट मीना, बेस्ट मीना। फ्रंट से डालो सर, खींचो, ठीक है? हाँ, आप सही पहने। हाँ। ओके, दोज हु आर आस्किंग अबाउट कि भैया ड्यूक कब चलाओगे, लो चला रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा यार अभी बाइक चलाने का, ऑल आई एम वेयरिंग फुल गियर्स और मोहित चला रहा है, सैंस रेडी है, सैंस ड्यूक के साथ मैच। और ड्यूक इज लव यार, और मेरे को अपनी बाइक भी देखनी है कि कैसी दिख रही है वो। ओए होए कितनी गंदी लग रही है Q7। हाँ यार अच्छी तो लग रही है, देखो बाइक तो अच्छी लग रही है। अभी हम इसको लेके जा रहे हैं करोल बाग, इसकी जो आगे की डिस्क ब्लेड है ना वो जो है जो हमने राइट साइड वाली लगाई थी वो थोड़ी टेढ़ी है और उसे हमें जो है ठीक करवाना है आज, तो इसलिए हम जा रहे हैं। लुक तो आ रहा है यार, जो दोज आर सेइंग कि लुक नहीं आ रहा, लुक तो आ रहा है, लुक तो आ रहा है भाई, लग तो रही है कोई चीज आ रही है। क्या बोलते हैं 18-19 वाली वाइब्स आ रही है बहुत तगड़ी दिन भी क्या। और ड्यूक बहुत कंफर्टेबल है भाई, बहुत कंफर्टेबल है। लाइक मेरे को इतना जितना इस पे अभी कॉन्फिडेंस है उतना कॉन्फिडेंस मेरे को Xenoso में नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स उसकी ब्रेकिंग थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। मजा आया भाई इतने टाइम बाद, एक्सीडेंट के बाद भी और एक्सीडेंट से पहले भी मेरा राइडिंग का एक ही रूल था कि डरना नहीं है। ये भी ठीक है, अंकल पोर्शे चला रहे हैं, एजेड अंकल है और उनके साथ एजेड वुमेन भी बैठी है। ये नाइस। जब मेरे पास पहले ड्यूक थी ना तो काफी लोग आके बोलते थे यार इसकी साउंड बहुत करता है, रेडिएटर ये होता है वो होता है। भाई अब देखो, अब मैं किसी और की चला रहा हूँ ना, तब तो मैं मेरी थी इसलिए चुप हो जाता था, लेकिन भाई सही में ये हीट और इसकी जो है रेडिएटर नॉइज बहुत ज्यादा है भाई। आपका गिफ्ट, गिफ्ट तो हम ये वाली डिस्प्ले डाल रहे हैं क्योंकि जब हमने बाइक रीबिल्ड करी थी तब इसमें दो ही चीजें मेजरली रह गई थी, एक तो इस साइड वाली डिस्प्ले में क्या था थोड़ी बिल्कुल हल्की सी माइनर टेढ़ी थी तो अच्छे से जिसे कहते हैं ना ब्रेकिंग अच्छी नहीं हो पा रही थी, और सिर्फ एक साइड की, एक साइड ठीक था इसलिए अभी तक चल गई थी भाई। और एक ABS लाइन, दोनों चीज़ें आने वाले। स्टॉक आती है ना Xenon पे हम वो नहीं लगा रहे हैं, हम उससे बेटर लगा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस डिस्प्ले है और ये भैया एक ही जगह पे मिलेगी, वो है मोटर के, और कहीं नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। KT की लाइट से लेके ये ले लो, इसको लगाने के बाद बाइक और ज़्यादा यूनिक हो जाएगी, और भी चीज़ें धीरे धीरे करते रहे हम, बाकी इसको इंस्टॉल करवाते हैं और ब्रेकिंग तगड़ी करवाते हैं। और बात बताओ कैसे बैटर रहे वाले भाई, MM का फर्क होता है ये देखोगा। हाँ। 4.5 mm होता है ये। अच्छा तो वो कम होता है। हाँ। दोनों के थिकनेस दिखाता हूँ। ओके हाँ कैमरा में ये भी देखो, देख रहे हो? हाँ। अच्छा खासा फर्क है इन दोनों के इसमें। ओके सो इससे ब्रेकिंग और बढ़िया हो जाएगी मतलब। हाँ ठीक, इसके साथ रेकमेंडेड ब्रेक पैड्स
ब्रेकिंग के डालो, ब्रेकिंग के पीसी डालो, ठीक है। हमारे राउटर लग चुके हैं, यानी डिस्प्ले, हमारे नए इंडिकेटर लग गए हैं, ठीक है। और क्या काम हुआ है, मैं बोल रहा था ड्यूक में मैं कंफर्टेबल हूँ, बट मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें हूँ, Z900 पे हूँ। अब मस्त चार्जर भी आ गया मेरी बाइक में। एक्चुअली ना दो तीन बार ऐसा हो गया यार, स्कूटी में तो चार्जर है ही, गाड़ी में है ही, बाइक पे नहीं था। तो पावर बैंक मेरा ना GoPro बहुत ज़्यादा लैग मारता है, जब GoPro लैग मारता है ना तब इसको पावर देनी पड़ती है और ये मतलब थोड़ी देर तक ठीक चलने लग जाता है। दिस बाइक इज़ कम्प्लीटली रीबिल्ड बाय अस, कम्प्लीटली डिज़ाइन ये जो इसका है वो मेरे पे है, ठीक है। रियान भैया ने बस करा है, ये नहीं है कि भैया कंपनी ने ऐसी बाइक बनाई है, कंपनी ने ऐसे पार्ट बनवाए हैं, नहीं, एग्जॉस्ट मैंने लगवाया है, हर चीज़ मेरा डिसीजन है ना, दैट्स व्हाई आई लव दिस थिंग मोर देन एनीथिंग इन माय लाइफ। और अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कैफ़े खोल पा रहा हूँ, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का चालू कर पा रहा हूँ, उसके पीछे बाइक का बहुत बड़ा रीज़न है, द पिट कैफ़े। आई एम अ बाइकर और कैफ़े तो मेरे को हमेशा से खोलना था, इसलिए मैंने नाम भी द पिट कैफ़े रखा है। तो आई होप आप लोग उसको सपोर्ट दिखाओगे, जो कैपिटल मेरा लगा है उसको आप जो है डबल करके मेरे को रिटर्न में दोगे और मैं आप लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए कि योर हैप्पीनेस इज़ माई हैप्पीनेस, बिकॉज वट आई एम, हु आई एम फ्रॉम यू गाइस। आप अगर 1000 व्यूज़ भी देते हो ना अभी किसी वीडियो पे, बस वही मेरे लिए मोटिवेशन है। बिकॉज माई मॉम वन सेड कि जब मेरे पे एक्सपोज वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही थी, माई मॉम सेड कि राघव अगर तुझे एक भी व्यूअर देख रहा है ना, सो गो ऑन, बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू, जिसे कहते हैं बिल्ड एनीथिंग, शो एनीथिंग, यू आर हेयर टू, जिसे कहते हैं मेक स्टोरीज, प्रेजेंट करना अपने आप को। मैं बहुत चीज़ें यूट्यूब की वजह से सीखा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं अभी अगर गिनाने बैठा तो बहुत चीज़ें, लेकिन अभी मैं आपको जितना सिंसेयर सेंसिबल दिखता हूँ थोड़ा भी 5% भी, वो यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मेरे को यहाँ अच्छा दिखना है, यहाँ पे तमीज़दार दिखना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। प्रवचन ख़त्म। मैं विदाउट म्यूजिक अभी राइड कर रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना, एग्जॉस्ट की साउंड मेरे लिए शांति जैसी है अभी, दिस इज माय पीस। मेन पावर सोर्स ऑफ अस, मरगढ़ वाले बाबा, थैंक यू हनुमान जी फॉर एवरीथिंग, बोलो मरगढ़ वाले बाबा की जय। द नेक्स्ट डे, ये तो हमारा हर दिन का एक्सचेंज ऑफर रहे हो गया, स्कूटी निकालो, बाइक लगाओ, बाइक निकालो, स्कूटी। और मैं बाइक इसलिए नहीं चला रहा, मन था चलाने का, लेकिन मेरा ये वाला जो काव है ना वो पूरा सूजा पड़ा है, नस पे नस खिंच गई है उसकी बहुत तगड़ी। लिटरली बाइक की डिस्प्ले मैंने चेंज करवाई थी पिछले सैटरडे, और ये मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अगला सैटरडे, मतलब समझ रहे हो अब तक कितना जो है मेहनती रहा होगा, जो कि मेरे को ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला है।